नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और जहांगीरपुर गांव में शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के द्वारा छठे महिला कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे तमाम गणमान्य लोगों ने शहीद भगत सिंह पार्क जहांगीरपुर में भगत सिंह की प्रतिमा और चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए तारीफ की शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जहांगीरपुर की। आपको बता देंगे, छठा आयोजन है जिसमें महिला कुश्ती दंगल में बेहतरीन महिला पहलवान भाग ले रहे हैं और जहांगीरपुर गांव में लगातार महिला बाल पहलवानों को और महिला खिलाड़ियों को, कुश्ती के पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में पहलवान वहाँ पहुँची, जिनका जहांगीरपुर गाँव की ओर से शहीद भगत सिंह कमेटी की ओर से सभी महिला पहलवानों को वहां पुरस्कृत किया गया, उनको सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह ब्रिगेड लगातार खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के आयोजन करती रही है और लगातार पिछले 6 सालों से यह छठा महिला कुश्ती दंगल था जिसमें भारी संख्या में महिला पहलवान पहुंची और उनको वहां पर निष्पक्षता के साथ बेहतरीन मैनेजमेंट और रेफरियों के साथ उनकी कुश्तियाँ कराई गई, जिसमें प्रत्येक कुश्ती में भाग लेने वाली प्रत्येक महिला खिलाड़ी को नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित भी किया गया। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति के अध्यक्ष सतप्रकाश गुलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतियोगिता महिलाओं के लिए खास तौर से कुश्ती के पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए और हमारी बेटियों को कुश्ती में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करने का जरिया है, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश और खासकर झज्जर जिले की महिला कुश्ती पहलवान भाग लेती हैं और बेहतरीन तरीके से यहां कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बहुत अच्छी कुश्ती आपके बीच में, ठंडे दिमाग ठंडे, आराम से पक्की रहा पक्की रहा पक्की रहा। हमारी इतनी अच्छी संस्कृति के जो बच्चा छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये पॉइंट बता रहे हैं, बहुत साहब जी को पॉइंट हो गए तो इनकी बुद्धि तेज है। देखो भाइयों, वो छोटे बच्चे कुर्सियां ले रहे हैं, ये छोड़ दो कुर्सी, अगर दे रहे बड़े आदमी खड़े हैं भाई कुर्सी दे रहे बेटे, हरा उधर मत देख, उधर दे दे, उधर आ जाओ आप, ये खड़े मत रहो बड़े बड़े आदमी, इधर ये कुर्सियां हैं छोटे बच्चे बैठे, उधर आ जाओ। कहियो कोच साहब, अरे करे ओ इन्होंने देखे भाई वो हाथ लगे तो मुझे कुर्सी खा के उन्होंने वो नाम देखे खड़े आओ, तो भी तुमने को बेटा तू मुंह हाथ ला रहा था तुम हाँ कुर्सी खा आप उसको हमारी उस हाथ को छोड़ करके चाचा की तरफ बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी कुर्सी आपके बीच में, बहुत जबरदस्त कुश्ती चल रही है, प्रयास कर रहे सभी अभिभावक अपनी सीट छोड़ देते आनंद ले सके। बहुत अच्छी कुश्ती आपके बीच में, बहुत जबरदस्त कुश्ती, आज बड़ा संघर्ष, बड़ा संघर्ष चल रहा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कुश्ती आपके बीच में थी, जीत हार की कोई और वो समय चला गया जो बेटे को खेलना चुका सीमित रहता था। कितनी अच्छी इनकी लड़त है, आप इनकी लड़त देखो, कितनी सुंदर पैतरा है इन बेटियों का, आने वाले में ये हमारे देश का भविष्य है और इस भविष्य से अपना प्रेरणा लेकर के अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। ये भगत सिंह कमेटी जो प्रत्येक साल दंगल करवाती है, इसकी मानसिक योजना यही है कि हमारी बेटी भी अभ्यास करने लगे और आने वाले समय में हमारी बेटियों का भी इसी प्रकार से मेडल लेकर आई।
पुरुष के पीछे जो योगदान रहा भगत सिंह कमेटी का, प्रत्येक साल संगल करवाने के कारण उसने प्रेरणा मिली, बेटी ने पॉइंट लिया, अर्जित किया, फिर पॉइंट लिया, ये फिर प्रयास हुआ किंतु सफलता नहीं मिली, तो हमारे कोचराज जी बड़े ध्यान से निर्णय दे रहे हैं, एक एक पॉइंट पे इनकी पैनी नजर है, हमारी ताली बजा करके इनका स्वागत किया जाए। अपने आप को तैयार रखे भाई, कीर्ति एरी 1918, बहुत अच्छी कुश्तियां, जबरदस्त कुश्ती आपके बीच में, ये जो अच्छारा के अंदर भी हमारे भूरिया कोच साहब जी की बेटी नेशनल में आयुष का सम्मान समारोह मनाया जा रहा था, हमारे गांव गांव में अखाड़े चल रहे हैं, अरविश ये हमारे सज्जन कोच साहब, सतीश कोच साहब जी, प्रदीप कोच साहब जी और हमारे सारे कोच साहब जी, संजय दलाल कोच साहब जी जो हमारे बहुत ही अच्छे कोच है, ये कोच साहब इनका निर्माण करने में अपना जीवन समर्पित, इसका नाम रोशन करती है, दोनों ही बेटियां अब जो आप कुश्ती देखने को मिलेंगी, जितनी देर होती जाएगी उतनी करीब इस मैट और आप बहुत ही सुखद वातावरण में इस कुश्तियों का आनंद ले रहे हो, ये भगत सिंह कमेटी बहुत ही बधाई की पात्र है, समय समय पर देश समाज और गांव के हित में कोई न कोई कार्य, बहुत अच्छी बहुत अच्छा दाव लगाया और कुश्ती अंतिम और कुश्ती समाप्ति होनी चाहिए। बहुत ही आदरणीय प्रवीण बीजेपी नेता जो आज इस कुश्ती दंगल के मैन प्रायोजक हैं, जिन्होंने अपनी कष्ट कमाई से 71,000 रूपये का योगदान दिया था, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं हम प्रवीण नेताजी का। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अनिल मटरा जिन्होंने अपनी कष्ट कमाई से 1100 रूपये योगदान किया है, भाई बहुत ही अच्छी कुश्ती है, दोनों दोनों बेटी अच्छी है हमारी, जबरदस्त कुश्ती चलेगी आपके बीच में, बड़ा प्रयास चल रहा है, ये बेटी जहांगीरपुर की बेटी है, दूसरी बेटी भी हमारी बेटी है, दोनों बेटियां हमारी बेटी है, ने कर रखी है, प्रदीप है, प्रदीप है, वजन सही हो तो ही आगे बताना भाई, बहुत अच्छी कुश्ती आपके बीच में, दोनों ही हमारी बेटियां हैं, नीचे बैठ जाओ भाई, तुम ऊपर ना बैठो, मैट घूम रखी क्यों है, अरे क्या हो रहा है, चलो घास तो, देखो कितनी जबरदस्त मेरी हमारी बेटी, देखो अपने आप को बचाने का प्रयास किया और बचाने में सफल भी रही, बहुत अच्छा प्रयास, हाथ हाथ बहुत अच्छी कुश्ती, बहुत जबरदस्त कुश्ती आपके बीच में, बहुत बढ़िया दाव लगाया,
और नंबर भी बड़े बेटी के और मैं अच्छी कुश्ती करे दोनों बेटी। जब बच्चा दाव लगाए टेक्निक लगाने का प्रयास करे तो आप उसका ताली बजा करके उत्साहवर्धन कर सकते। तो नीचे हो लो संभाल को नीचे हो लो मैट पे नीचे हो लो नीचे बैठो नीचे बटन के दिक्कत है ये एक मैच के लिए है पाचन काम बता ले सर धन्यवाद दे बहुत बढ़िया शुरुआती दोनों बेटियां हैं भाई बेटा ठीक है बेटा बहुत अच्छी बेटी है इसमें प्रैक्टिस करती है। सरपंच पद के बहाल उम्मीदवार बहुत ही अच्छे समाज सेवी जो हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करते हैं 2100 रुपए का योगदान देकर इस दंगल में अपना जोरदार तालियां बजाकर भाई मुकेश का हम धन्यवाद करते हैं। छोड़ के फेर ले हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे वरिष्ठ साथी जयपालपुर सरपंच।